महाभारत हिंदुओं का एक महान महाकाव्य है। महाभारत कथा में आप लोगों ने बहुत से योद्धाओं के बारे में जानते होंगे जो बहुत पराक्रमी थे, लेकिन क्या आप लोग एक ऐसे योद्धा के बारे में जानते हैं जो अगर महाभारत युद्ध में भाग लेता तो युद्ध कुछ क्षण में ही समाप्त हो जाता। वो योद्धा इतना शक्तिशाली था कि खुद भगवान श्री कृष्ण को उसके साथ छल करना पड़ा, और वो इतना बड़ा दानी था कि अपना सिर ही दान कर दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बर्बरीक की, जिन्हें आज हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि बर्बरीक अपने पिछले जन्म में कौन थे और उन्हें अपने सिर क्यों दान करने पड़े? उनकी माता कौन थी जिन्हें कोई देवता भी नहीं हरा सकता था? बर्बरीक का जन्म कैसे हुआ और उन्हें माता ने कौन वचन पर वो तीन तीर दिए? आखिर कैसे बने माता के इतने बड़े भक्त, बताते हैं। उससे पहले अगर आप भी कृष्ण जी को मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बर्बरीक महाभारत से बहुत पहले पूर्व जन्म में एक यक्ष थे, जिन्हें विष्णु भगवान का अपमान करने की वजह से ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था। एक बार भगवान ब्रह्मा जी और कई अन्य देव वैकुंठ लोक आए और भगवान विष्णु से कहा कि धरती पर अधर्म बढ़ रहा है, उन्हें रोकने और उनका अत्याचार बंद करने के लिए भगवान विष्णु की मदद लेने आए। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि वह जल्द ही एक मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेंगे और सभी पृथ्वी को पाप मुक्त करेंगे। लेकिन तभी एक यक्ष ने देवताओं से कहा कि इस कार्य के लिए भगवान विष्णु को पृथ्वी पर अवतार लेने की क्या आवश्यकता है, वह अकेले ही सभी दुष्टों का संहार करने के लिए पर्याप्त है। ये सुन ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ। भगवान ब्रह्मा ने यक्ष को श्राप दे दिया, जब भी पृथ्वी पर पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब दुष्टों का संहार करने भगवान विष्णु अवतरित हो गए, तब उसका वध करेंगे और वह एक दैत्य जाति में जन्म लेगा। इस श्राप के अनुसार यक्षराज को किसी दैत्य कुल में जन्म लेना था। यक्षराज ये बात सुनकर घबरा गए और उन्होंने ब्रह्मदेव से विनती करी कि यक्ष, गंधर्व और देवता सिर्फ अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दैत्य दुष्ट अधर्मी होते हैं और आतंक के लिए जाने जाते हैं, इसलिए कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे दैत्य कुल में जन्म लेने का श्राप ना दें। बार बार कहने पर ब्रह्मा जी को यक्षराज पर दया आ गई, लेकिन श्राप अब वापस नहीं हो सकता था। ब्रह्मा जी बोले कि आप विष्णु भगवान की शरण में जाइए, वही कोई लीला रचकर आपकी मदद कर सकते हैं। यक्षराज वैकुंठ लोक पहुंचे और वहां विष्णु जी से भी यही विनती करी। विष्णु जी ने भी श्राप को वापस लेने से मना कर दिया। स्वयं सृष्टि के रचयिता द्वारा दिया गया कोई श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हारी व्यथा समझता हूं और तुम्हारी सहायता के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम पांडव कुल में जन्म लोगे। महाभारत के युद्ध में तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान होगा, साथ ही साथ कलयुग में सभी मनुष्य तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे। तेरे ता युग में जब श्री कृष्ण ने दैत्यराज मूर का वध किए थे जो बर्बरीक के नाना थे, उसी दिन से कृष्ण जी को मुरारी कहा जाने लगा। अपने पिता के वध के बाद मोरवी ने बदला लेने के लिए श्री कृष्ण को रणभूमि में युद्ध के लिए ललकारा। मोरवी को माता कामाख्या का वरदान था कि उनकी रक्षा वो स्वयं करेंगे, इसलिए देवता भी उनसे लड़ने का साहस नहीं करते थे। जब मोरवी और भगवान श्री कृष्ण में युद्ध शुरू हुआ तब मोरवी श्री कृष्ण के प्रत्येक अस्त्र को विफल करने लगी। अंततः श्री कृष्ण ने मोरवी का वध करने हेतु सुदर्शन चक्र धारण कर लिए। श्री कृष्ण के ऐसा करते ही देवी कामाख्या प्रकट होकर श्री कृष्ण से मोरवी का वध न करने के लिए कहे। माता ने मोरवी को कहा कि हे मोरवी, ये तुम्हारे भावी ससुर है, अतः इनसे क्षमा याचना करके इनका आशीर्वाद प्राप्त करो। तत्पश्चात मोरवी ने ऐसा ही किया। कालांतर में श्री कृष्ण के आदेशानुसार महाबली भीमसेन हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच के मोरवी द्वारा नियोजित शास्त्रार्थ की प्रतियोगिता जीतने पर मोरवी का विवाह घटोत्कच से करवा दिया गया। कुछ समय पश्चात घटोत्कच और मोरवी को तीन पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम बर्बरीक, अंजन पर और मेघवर्ण रखे गए। पुत्र के सर पर घने सुनहरे बाल होने की वजह से उसका नाम बर्बरीक पड़ा। बर्बरीक बचपन से ही बहुत ही तेजस्वी, होनहार, निडर था। बर्बरीक को जो भी शिक्षा मिली वह उसकी माता और श्री कृष्ण से ही मिली। उसके गुरुओं के सिद्धांतों के अनुसार बर्बरीक को हमेशा निर्बल असहाय की ही मदद करनी चाहिए। बर्बरीक अपने युद्ध कौशल के अलावा एक बहुत बड़ा योगी और माता का भक्त था। बहुत ही कम उम्र में बर्बरीक ने माता की कठोर तपस्या करके उनको प्रसन्न कर दिया। माता ने प्रसन्न होकर उसे वरदान में तीन दिव्य बाण दिए और एक वचन मांगे थे कि तुम हमेशा कमजोर पक्ष की तरफ से युद्ध करोगे। इन बाणों की मदद से वह किसी भी युद्ध को कुछ क्षणों में समाप्त कर सकता था। जब बर्बरीक को पता चला कि महाभारत का युद्ध अब टल नहीं सकता, पांडवों और कौरवों में युद्ध होकर ही रहेगा,
तब वह अपनी माता से आज्ञा लेकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा और कहा कि मैं खुद युद्ध देखूंगा, निरीक्षण करूंगा और युद्ध में उसी का साथ दूंगा जो युद्ध में कमजोर पड़ रहा होगा। दूसरी तरफ महाभारत का युद्ध होने से पहले श्री कृष्ण सभी योद्धाओं से मिलने जाते हैं। पूछते हैं कि अगर तुम्हें अकेले ही युद्ध समाप्त करना पड़े तो कितना समय लगेगा। अर्जुन ने कहा कि वह 28 दिन में युद्ध समाप्त कर देगा। कर्ण ने कहा कि वह 24 दिन में युद्ध समाप्त कर सकता है। द्रोणाचार्य बोले कि वह 25 दिन में युद्ध समाप्त कर सकते हैं। भीष्म ने बोला कि वह 20 दिन में युद्ध खत्म कर देंगे। ये सभी योद्धाओं के उत्तर जानकर कृष्ण चिंता में पड़ गए, क्योंकि उन्हें बर्बरीक की विद्या के बारे में पता था। वह ये जानते थे कि बर्बरीक के पास 3 दिव्य बाण है और वह युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा है, क्योंकि कृष्णा स्वयं बर्बरीक के गुरु रह चुके थे। वह बर्बरीक से मिलने पहुंचे और उसके पास पहुंचकर भी यही प्रश्न किया। बर्बरीक ने कहा कि वह युद्ध कुछ क्षणों में ही समाप्त कर देगा, लेकिन वह सिर्फ हार रहे पक्ष का ही साथ देगा। कृष्ण ने अचरज में आते हुए कहा कि तुम्हारे पास तो सिर्फ 3 बाण है, कोई सेना नहीं है। तुम मृत्युलोक के सबसे बड़े युद्ध को सिर्फ 3 बाण से कैसे खत्म कर सकते हो? बर्बरीक ने कहा, हे पूज्य दादा कृष्ण, शत्रु को मारने के लिए सिर्फ एक ही बाण काफी है। अगर तीनों बाण चला दिए तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। एक ही बाण चिन्हित किए हुए लोगों को वध करके वापस अपने तूनीर में आ जाएगा। कृष्ण जी ने उसकी बात को परखने के लिए उससे कहा कि अगर वह पीपल के इस पेड़ पर जितने भी पत्ते हैं सभी को भेद कर दिखाए तो वह मान जाएंगे। बर्बरीक उनकी यह परीक्षा स्वीकार कर लेता है। बाण को धनुष पर लगाकर आंखें बंद करके मन ही मन शक्ति का आह्वान करता है। ये देख कृष्ण तुरंत एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं। बर्बरीक आंखें खोलता है और बाण छोड़ देता है। बाण क्षण से भी कम समय में सारे पत्तों को भेद कर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक जाता है। बर्बरीक कृष्ण से पैर हटाने के लिए कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे बाण को सिर्फ पत्ते भेदने का ही निर्देश मिला है। मैं आपके पांव को नहीं भेद सकता, इसलिए कृपया अपना पैर हटा लीजिए, जिससे कि आपके पैर के नीचे दबे पत्ते को उसका बाण भेद सके। कृष्ण को चिंता सताने लगी कि अगर किसी वजह से कौरव युद्ध में हारने लगे तो बर्बरीक कुछ ही क्षणों में अपने दादा जनों का वध कर देगा। अगले दिन श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप लेकर बर्बरीक के पास आते हैं। ब्राह्मण बर्बरीक के पास आकर भिक्षां देही कहकर कुछ भिक्षा देने के लिए कहते हैं। बर्बरीक तुरंत अपने स्थान से उठकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम करता है और कुछ भी मांगने के लिए कहता है। ब्राह्मण देवता तुरंत बर्बरीक से उसका शीश मांग लेते हैं। बर्बरीक भी अपना शीश देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक ब्राह्मण का किसी से उसका सर मांगना बर्बरीक को समझ नहीं आता और वह ब्राह्मण देवता से विनती करता है कि उन्हें अपना असली रूप दिखाए। ब्राह्मण देवता तुरंत श्री कृष्ण बनकर बर्बरीक के सामने आ जाते हैं। कृष्ण को पहचान कर बर्बरीक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कृष्ण से विनती कर बोलता है कि मैं अपनी माँ से बोलकर आया हूँ कि युद्ध भूमि में जा रहा हूँ, लेकिन आपको अपना शीश देने का वचन भी दे चुका हूँ। ऐसे में मेरा युद्ध देखने की अभिलाषा अधूरी रह जाएगी। कृष्ण बर्बरीक को आश्वासन देते हैं कि वह जरूर युद्ध देख पाएगा। उसकी वीरता की कथा पूरे विश्व में जानी जाएगी। कलयुग में मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हारे सिद्धांतों पर चलेंगे। जब जब महाभारत की गाथा पढ़ी और सुनाई जाएगी तुम्हारा नाम जरूर आएगा। श्रेष्ठ शूरवीरों, धनुर्धरों में तुम्हारी गणना होगी। तुम्हें लोग हारे का सहारा कहेंगे। ऐसा आशीर्वाद देकर कृष्ण जी ने उनके सिर को पहाड़ की चोटी पर रख दिए और उन्होंने पूरा महाभारत वहीं से देखे। महाभारत युद्ध के पश्चात जब पांडवों को अहंकार हो गया कि हमने युद्ध जिताया है, तब कृष्ण जी बोले कि बर्बरीक ने सारा महाभारत युद्ध निष्पक्ष होकर देखा है, उसी से पूछ लो। जब पांडव बर्बरीक से पूछते हैं कि युद्ध में सबसे ज्यादा योगदान किसका था, तब बर्बरीक बोलते हैं, मुझे महाभारत युद्ध में सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण दिख रहे थे। लड़ने वाले भी कृष्ण और मरने वाले भी कृष्ण थे। जिसने वार किया वो भी कृष्ण और जिस पर वार हुआ वो भी कृष्ण ही थे। कोई और था ही नहीं इस युद्ध में। इस तरह पांडवों का अहंकार तोड़े। एक मान्यता के अनुसार कलयुग में करीब 1000 साल पहले एकादशी के दिन बाबा का शीश श्यामकुंड में मिला था। यहाँ पर कुएं के पास एक पीपल का बड़ा पेड़ था। यहाँ पर आकर गायों का दूध स्वतः झरने लगता था। गायों के दूध देने से गांव वाले हैरत में थे। गांव वालों ने जब उस जगह खुदाई की तो बाबा श्याम का शीश मिला। शीश को चौहान वंश की रानी नर्मदा कंवर को सौंप दिया गया। बाद में इस शीश की स्थापना मंदिर में की गई। उस दिन देवउठनी एकादशी थी। भक्त इस पवित्र तालाब में इस विश्वास के साथ पवित्र स्नान करते हैं कि यह स्नान उन्हें सभी रोगों और संक्रमणों से छुटकारा दिलाएगा।
भगवान बर्बरी, जिन्हें वर्तमान समय कलियुग का देवता माना जाता है। यहाँ भगवान कृष्ण के रूप में उनकी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में जरूरतमंदों के सहायक के रूप में पूजनीय भगवान खाटू श्याम यहाँ निवास करते हैं और अपने भक्तों की सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए प्रसिद्ध हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय खाटू श्याम बाबा जरूर लिखें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।